दोस्तों रणवीर कपूर, साई पल्लवी और यश टारर नितेश तिवारी डायरेक्टेड फिल्म रामायण की शूटिंग अगले साल से शुरू होने वाली है, लेकिन अभी से ही इस फिल्म को लेकर काफी ज्यादा बस बन रहा है। चाहे वो फिल्म की कहानी को लेकर हो या स्टारकास्ट को लेकर या फिर इन सभी स्टारकास्ट की फीस को लेकर। तो आज इस फिल्म से सामने आई सभी अपडेट्स और डिटेल की बात आज मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। तो अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। दोस्तों दंगल फिल्म के डायरेक्टर काफी समय से रामायण मूवी पर काम कर रहे थे। इनिशियली उन्होंने इस फिल्म को ऋतिक रोशन और दीपिका पादुकोण के साथ बनाने का प्लान किया था, लेकिन इन दोनों के साथ बात नहीं बन पाई, जिसके बाद राम के रोल के लिए रणवीर कपूर को साइन कर लिया गया और फिर सीता के रोल के लिए आलिया भट्ट को कास्ट कर लिया गया था। लेकिन बाद में आलिया भट्ट ने इस फिल्म से अपने हाथ पीछे खींच लिए, जिसके बाद साउथ एक्ट्रेस साई पल्लवी को इस फिल्म के लिए साइन कर लिया गया। अब रामायण मूवी को छोटे बजट या फिर सिर्फ हिंदी ऑडियंस तक के लिए सीमित रखना डायरेक्टर को ठीक नहीं लग रहा था, ताकि ये फिल्म पैन इंडिया में बड़े नंबर्स पर रिलीज हो सके, जिसे देखने के लिए साउथ की जनता भी बड़े नंबर्स पर आ जाए। इसलिए इस फिल्म में रावण के रोल के लिए साउथ और कन्नड़ फिल्मों के सुपरस्टार यश को साइन कर लिया गया, जिन्होंने केजीएफ के जरिए पूरे भारत में नाम कमाया। खबरें हैं कि रावण बनने के लिए यश ने 150 करोड़ का भारी भरकम अमाउंट चार्ज किया है। वहीं लक्ष्मण के रोल के लिए साउथ एक्टर नवीन को कास्ट कर लिया गया है। हनुमान के रोल के लिए सनी देओल को कास्ट कर लिया गया है, ये भी खबरें सामने निकल कर आ रही है। उन्हें साइन करने के लिए प्रोड्यूसर्स ने 45 करोड़ की भारी भरकम रकम खर्च कर डाली है। इससे आपको अंदाजा लगाने में आसानी हो जाएगा कि नितेश तिवारी की रामायण का बजट बाहुबली और RRR से भी कहीं ज्यादा होने वाला है। 300 करोड़ तो सिर्फ फिल्म की कास्टिंग में ही खर्च कर दिए गए हैं। वही फिल्म के एक्शन सीक्वेंस के लिए हॉलीवुड के बड़े डायरेक्टर्स को अप्रोच किया जा रहा है और ये फिल्म काफी ज्यादा VFX से भरी भी होने वाली है। बताया जा रहा है कि नितेश तिवारी की रामायण सीता के किरदार के इर्द गिर्द घूमेगी, जबकि प्रभास की बेतुकी आदि पुरुष रामायण रावण के युद्ध के ऊपर बेस्ड थी। खबरें हैं कि नितेश तिवारी की रामायण 3 पार्ट्स में बनाई जाएगी। वहीं फिल्म की शूटिंग अगले साल फरवरी से स्टार्ट कर दी जाएगी। वहीं एनिमल के रिलीज होने के बाद रणवीर कपूर राम के रोल की तैयारी में जुट जाएंगे। फिल्म इंडस्ट्री से ये भी खबरें हैं कि रणवीर कपूर रामायण की शूटिंग कंप्लीट होने तक मांस मदिरा स्मोकिंग आदि से दूर रहने वाले हैं, जो कि काफी बढ़िया न्यूज है। वहीं साई पल्लवी और यश दोनों ही अपने रोल की तैयारी में जुट चुके हैं। हालांकि फिल्म की रिलीज अभी तक तय नहीं हुई है, लेकिन अगर फिल्म पर काम सही समय पर खत्म कर लिया जाएगा तो ये फिल्म अगले साल दिवाली या नवंबर तक रिलीज की जा सकती है। तो गाइज अगर ये न्यूज आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक और ऐसी खबरें सुनते रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।